तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है ऐसी चीज़ के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग या फिर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ हो चुकी है आज की डेट में, वो प्राइवेसी। तो दोस्तों जो प्राइवेसी है वो मतलब कि स्मार्टफोन में अगर देखा जाए तो कई कंपनीज ऐसी है जो कि प्राइवेसी इशू में फंस चुकी है, जो कि एप्लीकेशंस बोलो, वेबसाइट्स बोलो या फिर स्मार्टफोन्स बोलो, जैसे कि हुआवे हुआ, उसके साथ साथ अभी जो फेसबुक है उसमें भी प्राइवेसी का इशू है। लगभग हर एक एप्लीकेशन जो आज की डेट में है कुछ ना कुछ प्राइवेसी का इशू है, क्योंकि दोस्तों आप चीज़ें ऐसे इतनी जल्दी अलाउ कर देते हैं उस चीज़ को यूज़ करने के पीछे, क्योंकि आप जो भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं और इसी का फ़ायदा कंपनी उठाती है, जैसे कि आपको चीज़ें अलाउ करवा के। तो दोस्तों अगर चीज़ अलाउ किए बिना आपका काम हो जाता है तो आप उस तरह से कर लो, वरना कई बार ऐसा होता है कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उस पर आप अलाउ करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है जिस चीज़ की आपकी एप्लीकेशन की ज़रूरत ना हो उस चीज़ को आप कभी भी अलाउ मत करो, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो उस चीज़ का वो कंपनी गलत फ़ायदा उठा लेती है। मान लो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिससे कि मतलब कि आपके व्हाट्सएप या फिर आपके नंबर की मतलब कि ना हो, मतलब कि जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें मतलब कि उसकी ज़रूरत ना हो और आप उस सेक्शन को अलाउ कर लेते हो, जैसे कि माई कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि कोई गेम है उसमें आप माई कॉन्टैक्ट्स अलाउ करते हो तो गेम को किस तरह से मतलब कि कॉन्टैक्ट की ज़रूरत हो उस वो चीज़ देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि थोड़ा बहुत हो जाता है कि जो गेम्स है या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिसको कि मतलब कि मैक्सिमम लोग इंस्टॉल करते हो तो उस कंपनी से भी थोड़ा बच कर रहना, क्यों भले ही मतलब कि उसमें आपको सिक्योरिटी मिल सकती है जिसमें कि मतलब ज़्यादा लोग आए हो, लेकिन दोस्तों हाल ही में जैसे कि फेस ऐप जैसी एप्लीकेशन है जो कि लगभग हर एक लोगों ने इंस्टॉल की, लेकिन फिर भी प्राइवेसी इशू जैसे ही हो तो काफ़ी लोगों ने उसे इंस्टॉल कर लिया, लेकिन दोस्तों जो आपका डाटा है वो मतलब कि सबसे जैसे आपने इंस्टॉल कर दिया, जैसे आपने चीज़ें अलाउ कर दी उसी तरह से कंपनी इसके पास चला गया, उसके बाद आप एप्लीकेशन को डिलीट करो या फिर वैसी रहने दो एक ही बात है, मतलब कि एक ही तरह की बात है। तो दोस्तों कभी भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए ऐसी चीज़ें मत दे देना जिससे कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें वो उनके सर्वर में स्टोर रहती है और वो अपने सर्वर से चीज़ें मतलब कि जो बाहर है लोगों को या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को या फिर ऐसी कंपनीज जैसे कि आप किसी चीज़ को ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, मान लो आप किसी शूज़ को ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो दोस्तों उसके साथ साथ आपको रिकमेंडेशंस में अगर एड्स आने लगी तो समझ लेना कि आपका जो डाटा है वो कंपनी ने लीक कर दिया और जो दूसरी कंपनीज है उनके पास आपका डाटा चला गया, जो शूज़ की कंपनी है और आपको रिकमेंडेशंस में उनके शूज़ भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर रिकमेंडेशंस में या फिर किसी भी तरह से आपको जो चीज़ आपने चीज़ सर्च किया तो उस तरह से अगर चीज़ें आए तो समझ लेना कि प्राइवेसी का मतलब लीक हो चुका है। और दोस्तों यही इश्यूज रहते हैं कुछ कंपनीज़ के साथ, जैसे कि फेसबुक हुआ, उसके साथ साथ भले ही हवावे जैसी कंपनीज अच्छी थी लेकिन जो प्राइवेसी है उससे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा असर बच चुका है कंपनी को, और कंपनी अब मतलब कि अपनी न्यू चीज़ लाने की कोशिश करेगी। और दोस्तों मैक्सिमम ये US कंपनीज और चाइनीज़ कंपनीज दो ही कंपनीज है जो कि मैक्सिमम इस चीज़ का यूज़ करती थी, लेकिन आज की डेट में अब बाकी कंपनीज भी इसका यूज़ करती है। तो दोस्तों बात यही है कि प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन के लिए, क्योंकि आपकी जो एक डिटेल है उसके लिए कंपनीज जिस कंपनी से आपने मतलब कि डाटा रखा हो, जिस कंपनी से आपने एप्लीकेशन ली हो और अलाउ की हो चीज़ें, तो वो दूसरी कंपनी को अगर आपकी चीज़ें बेचे तो वो करोड़ों में बिकती है दोस्तों। और दोस्तों जो प्राइवेसी है उसने तो आज की डेट में इतना मतलब की चीज़ कर दी है कि जो साइबर क्राइम्स है उनकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो साइबर सिक्योरिटी है उनको फेल कर दिया, उन्होंने अपने जो मतलब कि हैकिंग सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए जिससे कि कई ऐसी साइबर क्राइम्स या फिर साइबर सिक्योरिटी है कि उनको कैप्चर नहीं कर पाए। तो दोस्तों जो लोग हैं उन्हें मतलब कि जागरूक होना पड़ेगा और जो क्राइम सिक्योरिटीज़ है उनको मतलब कि थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा ताकि जो लेवल है हैकिंग वगैरह का या फिर जो सिक्योरिटी लेवल है उसे क्रॉस ना कर पाए कोई भी। तो दोस्तों यही है आज की वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।